फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं दे रहा हूं जानकारी लिव फिट सिरप के बारे में। लीवर की समस्याओं में काम आने वाला यह एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड सिरप रहता है। तो वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरह की मेडिसिन यह है, किन किन रोगों में आपको यह फायदा करती है, इसकी सही सेवन मात्रा सेवन विधि क्या रहती है और इससे जुड़ी हुई दूसरी जानकारियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं। 200 ml दवाई भरी गई है, यह रहता है एलेंबिक कंपनी का लिव फिट सिरप, काफ़ी प्रचलित है मेडिसिन है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस मेडिसिन के फॉर्मूलेशन के बारे में। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उनको देखने से मालूम चलता है कि इसके अंदर भृंगराज मिलाया गया है, भूमि अम्लकी इसके अंदर मिलाई गई है, रेवंद चीनी, शरकुंखा, कासनी, गिलोय, हरितकी, पुनर्डवा, कालमेघ, कुटकी, पित्त पापड़ा इसके अंदर में मिलाए गए हैं। कुल मिलाकर के 8-9 द्रव्य इसके अंदर मिलाए गए हैं और आयुर्वेद में यकृत विकार अर्थात लीवर डिसीज के लिए जितने भी प्रमुख जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर इसके अंदर में यूज़ की गई हैं, चाहे वो शरपुंखा हो, चाहे रेवंद चीनी हो, चाहे वो भृंगराज हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि हमें किन किन रोगों में यह मेडिसिन फ़ायदा करती है। देखिए, लीवर की सबसे कॉमन समस्या है हिपेटोमिगेली अर्थात लीवर का साइज बढ़ जाना, उसके अलावा फैटी लीवर की कंडीशन। इन दोनों ही रोगों में काफ़ी अच्छा लाभ इस लिव फिट सिरप के रेगुलर यूज़ करने से हमें मिलता है। इन सब के अलावा लीवर पर कड़ापन आ जाना, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन ग्रहण करते हैं और लगातार चिकनाई खाते रहने के कारण लीवर की कार्य क्षमता में कमी आने लगी है, लीवर ने अपना कार्य करना कम कर दिया है, उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगा है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी यह एलेंबिक लिव फिट सिरप काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। इन सब के अलावा यदि लीवर को नॉर्मली डिटॉक्स करना हो या एक नॉर्मल लीवर हेल्थ टॉनिक के तौर पर इस लिव फिट सिरप का आप सेवन कर सकते हैं। लीवर के ऐसे रोगी जिनको लीवर की कोई पुरानी और गंभीर समस्या है, उनका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रहा है लीवर डिसीज़ के लिए, तो ऐसे रोगियों को भी एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर यह लिव फिट सिरप जो है सेवन कराया जा सकता है। इन सब के अलावा पाचन संबंधी विकारों में भी यह लिव फिट सिरप जो है आपको फ़ायदा करता है। स्प्लीन से जुड़े हुए विकार, तिल्ली बढ़ जाना, तिल्ली पर सूजन आना, ऐसी कंडीशन में भी आप इस लिव फिट सिरप का सेवन कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स यदि इस मेडिसिन की सही डोजिंग के बारे में, सही सेवन समय, सेवन मात्रा के बारे में, तो इसको मेडिसिन को सबसे मेन बात यह है कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, स्त्री को भी दे सकते हैं, पुरुष को भी दे सकते हैं। बच्चों को इसकी जो मात्रा देनी है वो आयु वर्ग के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। यदि बच्चे की आयु है 1 साल से लेकर और 5-6 साल तक की आयु में, तो आप ऐसे समझिए कि जितने साल का बच्चा है उतने ml दवाई उसको देनी है। 1 साल का बच्चा है तो उसको 1 ml दवाई देनी है, 2 साल का बच्चा है तो 2 ml दवाई दी जा सकती है और 3 साल का बच्चा है तो उसको 3 ml दवाई देनी है। 3 ml 3 साल से लेकर 5-6 साल तक 3 ml की मात्रा ही आप फिक्स रखेंगे। उसके बाद में 5 साल से लेकर के 8-9 साल तक की आयु में आप बच्चे को 5 ml की मात्रा में दे सकते हैं। बच्चे की आयु जब 10 साल से ऊपर निकल जाती है, 16 साल तक की आयु में, तो आप उसको 5 से लेकर 10 ml तक की मात्रा में एक समय में दे सकते हैं और नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए एक समय में 10 ml से लेकर 15 ml तक की मात्रा में सेवन करना उचित रहता है। बात करें इसको सेवन करने की विधि के बारे में तो सिंपल प्रोसेस है इसका। 10 ml दवाई या 5 ml दवाई जितनी भी आपको रिकमेंडेड है आपकी बॉडी वेट और आपकी एज ग्रुप के हिसाब से उतनी दवाई आपको लेनी है और उसके डबल अमाउंट में आपको पानी मिला लेना है, 1 कप के अंदर में मिक्स करके उस दवाई को आपको पी लेना है। बाकी आप खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद में इस मेडिसिन को सेवन करते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है और दिन भर में 2 बार इसका सेवन करना उचित रहता है। अधिकतम मात्रा में कंडीशन के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको इसे दिन में 3 या 4 बार कंज्यूम करने के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।